एडीएम के पूर्व सांसद वी मैत्रेय ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के महासचिव अरुण सिंह और सीटी रवि ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। साल 2000 के समय में मैत्रेय बीजेपी में ही हुआ करते थे, इसके बाद वो बीजेपी छोड़ AIADMK में शामिल हो गए थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। शिंदे ने ट्वीट कर कहा कि सरकार ने धमकी को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा, पुलिस अधिकारियों से फोन पर बात की और जाँच के निर्देश दिए हैं। शरद पवार देश के बड़े नेता हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है, सरकार इसे निभाएगी। जरूरत पड़ने पर पुलिस को सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र की राजनीति की एक अच्छी परंपरा है। राजनीतिक स्तर पर मतभेद है लेकिन मनभेद नहीं है। किसी भी नेता को धमकी देना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती और नामांकन के लिए अधिक समय देने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गई। इस पर कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य चुनाव आयोग से कहा कि वह 12 जून तक मामले में हलफनामा दे। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस की SIT की जाँच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे इसमें नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक SIT ने 200 से ज्यादा लोगों से सवाल जवाब किए हैं। इसी बीच इंटरनेशनल रेफरी जगवीर सिंह ने एक न्यूज एजेंसी में बातचीत में बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि बृजभूषण ने नशे की हालत में महिला पहलवान के साथ अभद्र व्यवहार किया था। इंटरनेशनल रेफरी जगवीर सिंह बृजभूषण के खिलाफ यौन शोषण मामले में गवाह है। शिवसेना UBT के नेता और सांसद संजय राउत कोल्हापुर में हुई हिंसा को लेकर लगातार शिंदे सरकार पर हमलावर है। संजय राउत ने इस मामले को लेकर कहा कि बीजेपी चुनाव को देखते हुए औरंगजेब के मुद्दे को हवा दे रही है। इसी बीच राउत का एक और बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दंगा फैलाने वाले असामाजिक तत्वों को वैसे ही गोली मार देनी चाहिए जैसे उत्तर प्रदेश में किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई को उसका अपना नया ऑफिस मिलने जा रहा है। शुक्रवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने इसका शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने संबोधन भी दिया जिसमें उन्होंने बीजेपी ऑफिस को संस्कार केंद्र बताया तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को ब्लैक स्पॉट बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जातीय हिंसा से प्रभावित मणिपुर में इंटरनेट पर लगातार जारी प्रतिबंध के खिलाफ राज्य के 2 लोगों की ओर से दायर की गई याचिका पर शुक्रवार को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बेस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाश पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के पास भी ऐसा ही एक मामला है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, हाईकोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है लिहाजा हमें इस कार्यवाही पर दोबारा काम करने की क्या जरूरत है, आपको इसके लिए नियमित पीठ के पास जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पैरवी एडवोकेट शादान फरासत कर रही थी। AIMIM चीफ असदुद्दीन अवैसी ने गुरुवार को महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस के औरंगजेब की औलाद वाले बयान पर पलटवार किया। असदुद्दीन अवैसी ने कहा, महाराष्ट्र के गृह मंत्री फडणवीस बोले कि औरंगजेब की औलाद, अच्छा आपको पूरा मालूम कौन किसकी औलाद है, ये आपको मालूम है। ओवैसी ने कहा, मुझे नहीं पता था कि इतने एक्सपर्ट हैं आप, फिर भी ये गोडसे की औलाद कौन है बोले, ये आपटे की औलाद कौन है बोलो। ओवैसी का ये बयान महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुए बवाल के बाद सामने आया है। बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर फर्जी के बाद एक बार फिर OTT पर धमाल मचाने आ गए हैं। एक्टर की मोस्ट अवेटेड फिल्म ब्लडी डैडी फ्री OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज हो गई है। अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बनी ब्लडी डैडी में काफी पावरफुल स्टार कास्ट है। फिल्म में शाहिद कपूर, डायना पेंटी, संजय कपूर, रोनित बोस रॉय और राजीव खंडेलवाल ने दमदार एक्टिंग की है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के मुकाबले का आज तीसरा दिन है। अपनी पहली इनिंग खेल रही है टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहली इनिंग में बनाए थे 469 रन।